हाथ कांपने स्टार्ट हो गए, लाल हो गए भाई, खून जमना स्टार्ट हो गया भाई। और वो दिख रही है का आगे ट्रॉली, वो हमारे तीन बंदे की आंख। भैया ये क्या कर रहे हो यार, अब लेट जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरविंदर सेन व्लॉग्स। और अब हम लोग जा रहे हैं गरसो बुग्याल ट्रैक के लिए, और हमारे साथ पीयूष भाई हैं, ठीक है, और ये स्नो सिटी ओली से, तो ये हमें लेके जा रहे हैं, और बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है जैसा कि भाई ने कहा है। सो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे व्यू कैसा है एक्चुअली ओली में। तो ये कैंप है यहाँ पे, जो मिलिट्री कैंप है जिसकी हम बात कर रहा है, बहुत ही मतलब सोचो यार खूबसूरत सा वादियों के बीच में। तो अभी यहाँ से हम लोग 500 मीटर चलेंगे, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हम लोग चेयर कार करेंगे, फिर वो हमें ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ से फिर जो आर्टिफिशियल लेक है ओली में वो 500 मीटर रह जाती है। तो आर्टिफिशियल लेक पहुँचने के बाद फिर वहीं पर हम लोग वहाँ से और आगे जाएंगे, पूरा ट्रैक वगैरह करेंगे। सो यस वी आर हेल एक्साइटेड। हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है आज भी, सबसे अच्छी बात है कि मतलब जो वेदर है ना वो इस टाइम पे क्लियर हो गया है। तो यार ये आपको ना क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा लाइवली सा फील हो रहा है कि दे आर जस्ट सो नियर सो क्लोज टू अस। भाई का स्वैग ही अलग है। सो वेलकम एट स्की रिजॉर्ट ओली। तो अब हम लोग स्की रिजॉर्ट में एंटर कर रहे हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तो अब हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, और पीयूष भाई हमें पूरा गाइड कर रहे हैं, इन्होंने हमारी ट्रैवलिंग से लेके स्टेइंग से लेके सारी चीजों का इंतजाम किया। अब और अभी हम यहाँ पे पहुंच गए हैं चिलफ के पास, यहाँ से हमें स्टेयर्स लेनी है। अभी आपको स्टेयर्स की फुटेज दिखा दोगे, और उसके बाद चिलफ है वो 3 किलोमीटर लंबी है, और हम 3 किलोमीटर बाद पहुंचेंगे, रुकेंगे, और फिर 500 मीटर की थोड़ी सी वॉक है, वहाँ पे हमें लेक दिखेगा, वो भी आप दिखा दोगे। वाह, ओके या। और ये देख बिल्कुल बादलों के बीच में, तो बादल ही बादल, बादल नीचे छोड़ दिए, बादलों से ऊंची उड़ाने हैं। तो ये हम अब टिकट ले रहे हैं, ये यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, ये यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, आप घूमिए और ठीक 3:30-4 बजे के आसपास नीचे। ओके, एंड ये होती है हमारी चेयर कार शुरू। ओ भाई या ब्रो, ओ भैंस की आंख, डर लग रहा है यार, फोन गिर जाए। ओ भैंस की आंख भाई, मनोज तुम बनाई हो भाई, ये थोड़ा सा ना मतलब बहुत रिस्की हो रहा है। तो नीचे एक बार देखना, अरे भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने शूट में नहीं है, हमने हाथ में मोबाइल पकड़ रखे 1.5 लाख के, और इतना डर लग रहा है गिर गया ना भाई साहब, मुझे और मैं तो कसम उड़ान चलने की, इतना पैसा नहीं आ पाता है यूट्यूब से कि भाई ये 1.5 लाख कवर हो पाए, ये बहुत महीने की जो अमाउंट है ना भाई, उसमें भी ये पूरा एक फोन कवर नहीं हो पाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा, नहीं होगा। सो वी हैव रीच्ड ब्रो, वी आर ऑलमोस्ट देयर, दिस वाज द लाइफ लाइक ड्रीम्ड फॉर, यो ब्रो यो दिस इज द थिंग। ओके सो वी हैव रीच्ड, अब हम लोग कर रहे हैं ट्यूब सर्फिंग। अब हमने जैसे चेयर कार वाली कंप्लीट की, यहाँ से ट्यूब सर्फिंग करके हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जो आर्टिफिशियल लेक है। और यार यहाँ पे ना देखो स्नो अभी मतलब यहाँ पे जो है ऑलरेडी इतनी इतनी आने लगी है, अगर हम इस और उधर जाएंगे तो और ज़्यादा स्नो होगी। और पीछे एक बार यार ये देखो आप, मतलब दिस इज सररियल ब्रो, बहुत ही अमेजिंग है। अब हम जा रहे हैं एक नया एक्सपीरियंस करने ट्यूब सर्फिंग, देखते हैं कैसा रहता है। लटक जाओ, ऐसे लटकू ये भैया, पीछे थोड़ा गीला हो रहा है, थोड़ा और आगे बैठ जाओ, हल्का आगे से ना, भैया ये क्या कर रहे हो यार, अब लेट जाओ। और जाके पीछे गिरी हो रही है भाई, घूम भाई।
अरे सड़ गई साथ ही थी यहाँ पे। ओ भाई मजा आ गया। अरविंद It was nice. ये हम आ गए आर्टिफिशियल लेक। तो इससे आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी घुटनों तक बर्फ हमें मिल चुकी है और उससे आगे कमर तक है बर्फ। तो हम अभी ये वाला रूट नहीं लेंगे। पहले हम सोच रहे थे कि हम यहाँ से चढ़ेंगे बट अब हम पूरा घूम के फिर से। लाइफ में ना फन के साथ यार सेफ्टी बहुत जरूरी है क्योंकि यार अगर फन एक बार में आपने बहुत ज्यादा कर लिया और क्योंकि आप बिल्कुल भगवान के पास हो यार, यहीं पर आसपास भगवान है, भगवान ने आपको बुला लिया ना तो वो उसके बाद फन कभी कर नहीं पाओगे। तो फन ऐसा करो कि पूरी जिंदगी कर पाओ, तो उसके लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। क्या कहते हो? झूठ नहीं बोलना है यहाँ पे, भगवान यही आसपास है। पर मैंने एक बात बताऊं भाई, मुझे ये देख के ना यार गेम ऑफ थ्रोन्स की बड़ी याद आ रही है। जीओटी भाई, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी सीरीज मैंने आज तक नहीं देखी। विंटर इज कमिंग, अरे नहीं वो जीओटी की थीम थी भाई, तुम्हें क्या पता, तुम्हें थोड़ी पता होगा गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में। तुम ठहरे पवित्र रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है देखने वाले। तो कॉफी पीने के बाद, कॉफी और चाय ब्रेक के बाद, अब जो ये आर्टिफिशियल लेक थी अब इससे ऊपर हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है एंड थिंग्स आर नॉट दैट कूल बिकॉज द वेदर हेयर इज वेरी कूल। ठीक है, सो ये ट्रैक पे जा रहे हैं हम लोग। इधर से पीछे हमारे कुछ कलीग आ रहे हैं, ये भैया हमारे लेके जा रहे हैं ट्रैक पे। ओह थैंक्स आर नॉट दैट कूल, आई रिपीट अल्फा चार्ली, आई रिपीट। तो यार आप लोग जरूर आना, ये जगह आप लिटरली लाइफ में कभी मिस नहीं कर सकते हो एंड गिर भी सकते हो, सो बी केयरफुल। अब स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है एंड बहुत ज्यादा स्नो होने की वजह से यार ऊपर वाला ट्रैक बंद कर रखा है। सो अनफॉर्चुनेटली हम इसी पॉइंट तक जा पाएंगे लेकिन स्टिल जो हमारे गाइड है वो कह रहे हैं कि जितना ऊपर लेके जा सकते हैं उतना ऊपर। तो अब ये देखो कि ना स्नो दिख रही है, हल्की हल्की दिख रही है, बहुत ज्यादा स्नो पड़ रही है। हाथ जो है वो बिल्कुल सुन हो गए हैं, जो गोल्ड की रिंग्स है उनका कलर चेंज हो गया। तो अब हमें फटाफट से चलना पड़ेगा एंड हमें ग्लव्स भी डालने पड़ेंगे अपने। तो ये हम टोपियां एक्सचेंज करते हुए, टोपी वाला दोनों, और ये मनोज गिर गया है और यार लाइक और कितना गिरेगा बे। परवीन आई लव उपासना। ये यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं है, सिर्फ हम 5 खपीटर हैं और इतना शिट। सो थिंग्स आर नॉट दैट इजी, इफ यू आर प्लानिंग फॉर ओली देन बी प्रिपेयर्ड फॉर द गुड एंड फॉर द वर्स्ट टू। यस, तो हाथ कांपने स्टार्ट हो गए, लाल हो गए और खून जमना स्टार्ट हो गया एंड उधर से इंस्ट्रक्शंस भी आ गई हैं कि गेट बैक, मेरे मुंह पे फेंक। सो लास्ट यार ये जो एक्सपीरियंस है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोलते हैं जिसको, ये वो है। मतलब यार वर्ड्स नहीं है यार, अनएक्सेप्टेबल ब्रो, अनबिलीवेबल। ओके, तो पीयूष भाई जो है, मतलब मैंने बताया कि जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं ये वो प्रॉपर्टी इन्हीं की है एंड गाइड भी है साथ साथ ही है। एक्चुअली ये वैसे गाइड नहीं है, इन्होंने कहा कि हमारे साथ ये चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी वाइब से थोड़ी मैच हो गई। ये रैपर हैं और मेरे को तो आप लोग जानते ही हो। तो मतलब एक्चुअली जो ब्रदर है ना, ये पहले कॉरपोरेट में ही जॉब करते थे, एनिमेटर। तो मतलब MNC छोड़ के ये बंदा यहाँ पे इन वादियों में घूम रहा है
अपना पैशन पूरा कर रहा है, क्योंकि इनका पैशन था कि इनको करना यही है। मतलब कैसा लग रहा है भैया? भैया बहुत सेक्सी बोलूं या क्या बोलूं? जो भी बोलो आप। बहुत खतरनाक। तो मतलब अब कई बार लगता है कि यार कॉर्पोरेट वापस जाना चाहिए या? हाँ नहीं, फ्रीलांसिंग करता हूँ कभी कभी। हाँ। तो मेरा मन होता है तो जरूरत होती है, वरना नहीं। लेकिन ये जो है ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। तो मैं कह रहा था पीयूष भाई, yes, भाई कि लीविंग कॉर्पोरेट एंड फॉलोइंग पैशन इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। सबके पास की बात नहीं है। अगर आसान होता तो हर कोई नहीं करता भैया। गट्स सही है, गट्स। एंड खैर इसी बात पे कर देते हैं चाय। अभी वो लोग थोड़ा सा पीछे हैं, वो लोग अभी भी रील्स वगैरह शूट कर रहे हैं, तो उनके चाय वगैरह हमने कर दिया ऑर्डर। फिर यहाँ से हम नीचे जाएंगे दोबारा से चेयर कार से। अब हम लोग काफी थक गए यार। अब एक बार पीछे दिखा दें, ये पूरा स्नो से ढक चुका है। और अब हम लोग आ गए कार चेयर के पास में। अब हम लोग यहाँ से दोबारा कार चेयर के थ्रू वापस अब नीचे जाएंगे एंड फटाफट वी आर रशिंग टुवर्ड्स आवर होटल, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड इट्स नॉट सेफ आउट हियर नाउ। वी आर टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क, क्योंकि स्नो ऊपर से ठंडी हवा, ठीक है, बोलो जहाँ पे भी डर लगे बेसिक से फोन को वो कर दियो। ओ भाई मुंह पे आके लग रही है भाई सामने से हवा। हवा नहीं, ओ शिट, क्या बोल रहा हूँ मैं। मैं दिखाता हूँ भाई इनको, मैं दिखाता हूँ। ये देखो वो आगे आके टिक रही है। मेरा भाई हाथ कांप रहे हैं क्योंकि साथ में ग्लव्स नहीं है। ग्लव्स डालता हूँ ना तो ये रहा, तो वो ग्रिप कमजोर हो जाती है, फोन गिर जाएगा। ग्रिप की ऐसी तैसी हो गई भाई। ये देखो भाई कैसे दोनों पॉकेट में हाथ डाल के बैठे, दिखाता हूं भाई। मेरी जान पे पॉकेट में हाथ डाल के बैठे हैं और यहाँ ग्लव्स भी हैं फिर भी। ओ भाई साहब, और भाई ये बर्फ आके जो लग रही है ना भाई, दिस इज लिटरली सररियल। सररियल का मतलब होता है बियॉन्ड इमेजिनेशन एक्सपेक्टेशन, मतलब सॉरी थोड़ा सा कॉर्पोरेट टर्म्स में घुस गया मैं। तो भाई साहब वो दिख रही है आगे ट्रॉली, वो हमारे तो यार आप लोग बताना व्लॉग कैसा लगा। इसी के साथ अगर आपको किसी भी तरह के हेल्थ रिलेटेड इशू है, चाहे वो माइग्रेन, पिंपल, एक्ने, स्कार मार्क, डिप्रेशन, पीसीओडी, मोटापे से परेशान है, वेट गेन करना है, या अर्थराइटिस है, शियाटिका है, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर बताया गया आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्योरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं।